हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको फोर्थ नंबर का ब्रेक सिखाऊंगा जो है 360 ब्रेक। आप सोच रहे हैं मैं भाग क्यों रहा हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आया हूँ और थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, साइड रन करके फिर बैक रन करके एंड थोड़े से स्प्रिंट मार के आपको अपने बॉडी को वार्म अप रखना है। एंड ट्राई करो, मॉर्निंग का जो वर्कआउट होता है वो एकदम बेस्ट होता है। ब्रेक शुरू करने से पहले मैंने जैसे आपको हमेशा हर ब्रेक में सिखाया है कि आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढनी है कोई भी ब्रेक पर्टिकुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो सबसे पहले जो हमने पैरों में डिस्टेंस ले लेना है, जितना बड़ा ले सकते हो उतना बड़ा लेने की कोशिश करनी है। दोनों पैरों के व्हील्स इनर एजेस पे रहेंगे एंड आपको इसमें गोल घूमने की प्रैक्टिस करनी है। दोनों हाथों का यूज़ करके आपको स्विंग करना है धीरे धीरे। सो ये मूवमेंट आपको प्रैक्टिस करना है, जिस मूवमेंट में आपका एक पैर बैकवर्ड्स होता है और एक पैर फॉरवर्ड होता है वही हम अपोजिट साइड करेंगे। तो दोनों हाथों को खोलेंगे तो आपको अच्छा बैलेंस मिलेगा, जिसमें आपको देखने मिलेगा कि आप गोल घूम रहे हो एक जगह पर। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप धीरे धीरे इस ब्रेक को प्रैक्टिस कर सकते हो, क्लॉकवाइज घूम सकते हो एंड वही एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हो। सो स्टेप वन में आपको व्हील को मूव नहीं करना है, बट स्टेप टू में आपको क्या करना है, दोनों पैरों में वाइड डिस्टेंस लेना है और हाथों की मदद से आपको घूमने की कोशिश करनी है। सो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपको पुश करते हुए एक पैर से पावर लगाते हुए दूसरे पैर को आगे की तरफ बढ़ाना है। देन सेकंड स्टेप जो है आपको करना है पुश ग्लाइड करते हुए जाना है, पैर को ओपन करना है। तो ये मूवमेंट आपको दो तीन बार प्रैक्टिस करना है, पुश ग्लाइड एंड ओपन योर लेग। जितना ओपन कर सकते हो उतना ओपन करो। जैसे ही आप अपने पैरों को ओपन करोगे आपको राइट लेग पीछे लेके जाके गोल घूमने की कोशिश करनी है। सो यही चीज हमको ज्यादा डिस्टेंस में नहीं करनी है, पहले तो हम छोटे डिस्टेंस पे प्रैक्टिस करेंगे फिर हम बड़े डिस्टेंस पे जाएंगे। सो छोटे डिस्टेंस पे भी जब प्रैक्टिस करेंगे पुश ग्लाइड करो, पैर ओपन करो एंड पीछे घूम जाओ। सो इस पोजिशन को आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है जब तक आपको कॉन्फिडेंट नहीं आता, एंड जब आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा और ये स्किल आपको आ जाएगा तब आप थोड़ा स्पीड में परफॉर्म कर सकते हो। अभी इसी मूवमेंट को हमको एक साथ करना है, आपको ग्लाइड करते हुए भी आना है एंड जो हमने एक जगह पर प्रैक्टिस किया था गोल घूमना वो एक साथ पर्टिकुलर फॉर्म करना है आपको। पुश करते हुए आपको आगे आना है, पैरों को कंट्रोल में लेके आओ पहले, दोनों पैर एक साथ, फिर पैरों में डिस्टेंस बढ़ेगा एंड आपको गोल घूमने की कोशिश करनी है। एक पैर आगे रख के एंड एक पैर आपको उल्टा रखना है। सो ये था आज का हमारा वीडियो। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस इज नॉट इमरजेंसी ब्रेक। सो आपको मेक श्योर करना है कि स्पीड आपका कंट्रोल में रहेगा एंड आपको ये फुल स्पीड में प्रैक्टिस नहीं करना है। सो इमरजेंसी ब्रेक्स के वीडियोज और आ रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।